क्या आपने कभी सुना है डिस्प्रिन को एक्ने को हटाने के लिए यूज किया जाता है? हम भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। आखिर तो ये केमिकल ही है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हेलो वंडरफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ डिस्प्रिन फॉर स्किन। यस, डिस्प्रिन जो हेडेक की मेडिसिन है उसे स्किन के लिए भी यूज किया जाता है। डिस्प्रिन को एक्ने रिमूव करने के लिए, पिंपल्स रिमूव करने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें होता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि वो एक ऐसा केमिकल है जो हमारी स्किन को एकदम ड्राई कर देता है और एक्सफोलिएट करता है। सारी गंदगी को जो वो है वो ड्राई करके बाहर निकाल देता है, लाइक झड़ जाती है सारी गंदगी। ज्यादातर इस रेमेडी को पिंपल्स को सुखाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो ये केमिकल है सैलिसिलिक एसिड वो यही काम करता है, हमारी स्किन को जो है वो सुखा देता है, ड्राई कर देता है। इसलिए इसे पिंपल्स के ऊपर अगर लगाया जाए तो पिंपल्स इससे काफी ज्यादा हद तक ड्राई हो जाते हैं। सो लेट्स ट्राई। आई एम जस्ट एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट, और ये अपने आप ही पिघलना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसे सिर्फ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए ही यूज कर रही हूँ, और कुछ डार्क स्पॉट्स हैं उनके ऊपर। अगर आप चाहें तो इसे पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता इसे रखना चाहिए, क्योंकि ये है तो एक केमिकल ही, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो हो चुके हैं 5 मिनट, वैसे तो ये 2 मिनट के बाद ही सूख गया था। अभी फेस वॉश करके देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, कोई भी फेस वॉश या साबुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ पानी से ही अपना चेहरा मैंने साफ़ किया है और मॉइस्चराइज भी कर लिया है, क्योंकि इसके बाद स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई थी। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एकदम लग रहा है फेस, अंदर से जैसे पूरा ड्राई होकर सारी जो भी डर्ट थी वो निकल चुकी है। आफ्टर ओनली फर्स्ट एप्लीकेशन मुझे ऐसा लग रहा है स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई भी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इसे स्किन को क्लियर करने के लिए एक आध बार यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन इसे एवरीडे बेसिस पर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी अगर आप ऐसा करोगे तो, ओवर एक्सफोलिएट हो जाएगी सॉरी। इसीलिए एवरीडे बेसिस पर इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अभी अगर मैं शायद इसे यूज़ करूँगी तो ये जो डार्क स्पॉट्स है थोड़ा सा हल्का हल्का इन्हें दूर करने के लिए शायद यहीं पर मतलब यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा पूरे फेस पर पूरी स्किन पर यूज़ इसे एवरीडे तो नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ये रेमेडी कर रहे हो तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये एक केमिकल है, इसे अपने पूरे स्किन पर या फेस पर अप्लाई करने से पहले इसका पैच टेस्ट जरूर ले लेना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा ये पेस्ट लेकर अपने हाथों पर या यहाँ पर लगाकर चेक कर लेना चाहिए कि इससे आपको कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इरिटेशन तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी या अगर आपकी स्किन पर ये सूटेबल नहीं है तो आपको तभी पता चल जाएगा। दूसरी बात, ऐसी कोई भी रेमेडी करने के बाद मतलब कि जिसमें एक्सफोलिएशन हो या कोई भी अगर ऐसी रेमेडी करने के बाद हमें तुरंत धूप में या जहाँ पर गर्म हवा चल रही है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सारे रेमेडीज़ के बाद या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो हमारी स्किन उस समय काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और उसके बाद तुरंत अगर हम धूप में जाए या फिर कोई ऐसे गर्म हवा में जाए तो स्किन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तुरंत धूप में नहीं जाना चाहिए, धूप से भी बचना चाहिए। और वैसे भी आप कोई भी रेमेडी या कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर अपने चेहरे पर करो, वैसे तो एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई रेमेडी भी आप कर रहे हो तो आपको उसके बाद में ज़रूर ही अपने फेस को मॉइस्चराइज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे रेमेडीज़ में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है स्किन से, इसलिए मॉइस्चराइज ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी कर लिया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यू कैन अप्रिशिएट इट बाय प्रेसिंग द लाइक बटन एंड शेयर इट। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, नेवरदलेस बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे रेड बटन को प्रेस कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच जाए। वॉच माई वीडियो व्हाट इज एक्ने एंड हाउ टू रिमूव इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट हेल्पफुल।